पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में रविवार को दुबई में देहांत हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे मुशर्रफ ने दुबई के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। परवेज मुशर्रफ अमाइलाइडोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे थे। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ की जड़ें भारत से ही जुड़ी थी, लेकिन भारत के प्रति उनके रवैये को पूरा देश जानता है। कारगिल की जंग में परवेज मुशर्रफ की ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि कारगिल युद्ध के लगभग 2 साल बाद वर्ष 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को वार्ता का न्योता भेजा था और इसके लिए आगरा के जेपी पैलेस को बैठक का वेन्यू रखा गया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुशर्रफ के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसके बाद अटल जी के साथ उनकी बैठक फेल हो गई। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मुशर्रफ की वाजपेयी के साथ बैठक फेल हो गई? दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुशर्रफ को आगरा शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता भेजा। उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस यात्रा के दौरान मुशर्रफ के सामने 1993 में हुए मुंबई बम धमाके के आरोपी आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद शिखर बैठक फेल हो गई। आतंकियों का गढ़ बना पाकिस्तान इस बात पर अड़ा था कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में इस बैठक के बारे में विस्तार से लिखा है। आडवाणी ने बताया कि उन्होंने मुशर्रफ से कहा था कि क्यों ना भारत और पाकिस्तान भी प्रत्यर्पण संधि कर ले, जैसे तुर्की ने भारत के साथ संधि की है। इस कदम से दोनों देशों को फायदा होगा। हालांकि आडवाणी के इस प्रस्ताव पर मुशर्रफ ने शुरुआत में सहमति जताई थी और कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों को प्रत्यर्पण संधि जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद आडवाणी ने जैसे ही दाऊद इब्राहिम का नाम ले लिया तो मुशर्रफ के चेहरे का रंग उड़ गया। आडवाणी ने मुशर्रफ के सामने प्रस्ताव रखा कि औपचारिक रूप से इस संधि को लागू करने से पहले पाकिस्तान को मुंबई बम धमाकों के दोषी दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। इसके बाद ही बैठक के फेल होने की बात कही जाने लगी। इसके बाद आगरा शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन 16 जुलाई को संयुक्त प्रस्ताव आना था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच हुई चर्चा से कुछ निकल कर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान ना तो शिमला समझौते का जिक्र करने को तैयार था और ना ही लाहौर समझौते का। इसके साथ ही पाकिस्तान सीमा पार से कश्मीर में आतंकवादियों को मिल रही मदद का जिक्र भी करने को तैयार नहीं हुआ। पूरी बैठक में मुशर्रफ की ओर से सिर्फ कश्मीर से जुड़ी बातें ही आ रही थी। यही कारण रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच हुई बातचीत पूरी तरह से विफल रही।